गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। चलो बच्चों, आज हम आपकी किताब ज्योग्राफी का सातवां चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आप रेडी हो? यस सर। दिस इज नो अबाउट योर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। नो अबाउट योर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। शाबाश। ये देखो स्लाइड आ गई हमारे स्क्रीन पे, नो अबाउट योर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मालूम ही होंगी, लेकिन फिर भी कुछ सीधा पॉइंट्स जो है जो हमें याद रखनी चाहिए वो आप इसमें देख सकते हो। मैंने स्लाइड बनाई है, स्लाइड की मदद से जब आप देखोगे तो ज्यादा याद रखने की कोशिश करोगे। ठीक है, पहले इससे पहले कि मैं आगे जाऊं कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बताऊं आपको, ये आप मैप गौर से देखिएगा। ठीक है, गौर कीजिए यहाँ पे जो मेरा अभी यहाँ पॉइंटर दिखेगा। ये देखो इसके अलग अलग हिस्से हैं, जो जम्मू कश्मीर का मौजूदा मैप है ये जो आप देख रहे हो अपने टेक्स्ट बुक्स में या आप मैप पे देख रहे हो, तो ये वाली शक्ल दिखती है। चाहे आप इंडिया का मैप भी देखोगे तो पूरा जम्मू कश्मीर का मैप दिखता है, लेकिन असल हकीकत में जो इस वक्त हमारा मौजूदा कश्मीर है वो ऐसा नहीं है। इस पे आपको पता चलेगा कौन सा वाला हिस्सा अभी हमारे पास है। हाँ, जम्मू कश्मीर का पहले ही दो बार बंटवारा हो चुका है। ये आप अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन यहाँ पे चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख या COJK जिसको बोलते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, ये वाला रेड वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, ये चाइना ने इसको अपने कब्जे में किया। यहां से आप देख सकते हो ग्रीन वाले पोर्शन जो मेजर पोर्शन यहाँ पे है गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया, लेजर पॉइंटर जहां पे पड़ता है ग्रीन वाला पोर्शन गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा, ये भी पहले ही पाकिस्तान ने इस पे कब्जा किया है। अभी पाकिस्तान का एक सूबा है गिलगित बाल्टिस्तान। और ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे है जिसको पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड यानी आजाद कश्मीर भी बोलते हैं, ये यहाँ वाला हिस्सा। और जो भी इंडिया के कब्जे में है, इंडिया के साथ है, वो ये वाला कश्मीर है, येलो पोर्शन वाला। और इसके भी तीन हिस्से हुए, तीन प्रोविंसेस है, इसे नहीं हुए बल्कि तीन प्रोविंसेस या तीन डिविजन्स जिसको हम कहते हैं, ये वाला लद्दाख, कश्मीर एंड जम्मू। जम्मू वाला पोर्शन ये श्रीनगर या कश्मीर जिसको हम बोलते हैं और लद्दाख का। ठीक है, तो ये बातें जहन में रखते हुए आप थोड़ा आपका जहन खुल जाएगा जब आपको पता ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस कश्मीर की पता चलेगी। हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे, कश्मीर के बारे में और कुछ जानेंगे। नाउ दिस इज इंट्रोडक्शन टू जम्मू एंड कश्मीर। इंट्रोडक्शन टू जम्मू एंड कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर आपको देंगे। ये देखो जम्मू कश्मीर कब बना ये पता होना चाहिए। फाउंडेड इन अक्टूबर 26, 1947। कब वजूद में आया जम्मू कश्मीर? अक्टूबर 26, 1947। यस, 1947। याद रहे आज के बाद याद रहेगा ना आपको, डेट्स याद रखनी। और कश्मीर की एक और अलग बात है, इसकी दो कैपिटल्स होती है, ये यानी दो दारुल खुलाफा, गरमाई दारुल खुलाफा और सरमाई दारुल खुलाफा। समर कैपिटल क्या है? श्रीनगर। और विंटर कैपिटल क्या है? यस। एरिया के हिसाब से कितने किलोमीटर स्क्वायर है देख सकते हो, 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। और पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 जो है वो क्या है, 55 मिलियन। अगर हम करोड़ में बात करेंगे तो है 1,25,00,000 आबादी।
यहाँ जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ की जो भाषाएं जो है लैंग्वेज जो है वो कौन सी भाषा है, लैंग्वेज स्पोकन क्या है, डोगरी, हिंदी, एंड नेबरिंग स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ये था इसके अलावा और भी हम जानेंगे इस जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ। पहली लाया जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, यहाँ पे देखो आप इंटरनेशनल बाउंड्री जो है यहाँ पे किस किस मुल्क के साथ मिलती है, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। हाँ, पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रोविंसेस यहाँ पे तीन है, क्या क्या, कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख। यस, और एक बात, अहम बात, कितने डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पे, हमारे जम्मू कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स, 22 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये भी आपको मैं बताऊं, जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्ट्स है, कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट्स और लद्दाख में 2। हाँ, ये बात याद रखनी चाहिए। लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है, पहले ये बताए, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, पंजाबी। बस बस, लिटरेसी रेट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मेल्स और फीमेल्स की अलग अलग है। 2011 सेंसस के मुताबिक मेल जो दिखाया गया है परसेंटेज वो है 78.26% मेल खानदा है, एजुकेटेड है, यानी 100 में से देखा जाता है कितने लोग तालीम याफ्ता है, 100 में से आदमियों में मेल्स में 78% आदमी, यानी 100 में से 78 आदमी खानदा है, एजुकेटेड है, जबकि औरतों का तनासुब थोड़ा कम है, औरतें थोड़ा कम पढ़ती हैं। इसके बहुत सारे वजूहत है, वो अलग चीज है। यहाँ पे जो सेंसस दिखाती है 58.01 यानी 58% औरतें, लड़कियां जो फीमेल्स है वो एजुकेटेड है, लिटरेट है, सेंसस दिखाती है हमें। यहाँ फॉरेस्ट एरिया कितना है यहाँ पे, यहाँ पे 20,230 square kilometers। यस, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे कौन कौन से दरख्त, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, वही हो गया नेचुरल वेजिटेशन। मैपल, चिनार, देवदार, एवरग्रीन, रोचेस्टनट, सप्रूस, ब्रिच एल्डर, पाइन, ल्यूरल, सेल ओक, मैग्नोलिया, सिडार, विलो, जनिपर एंड पॉपुलर, पॉपुलर सफेदा जो होता है हमारा। और इस स्लाइड में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी आपको, लेकिन ये जरूर आप याद रखिएगा, ये जो आए करें ये पॉइंट स्टिक बिट्स में मैंने इस पर लाए हैं, ये आपको याद रखने की चीजें है। हो सकता है कल को कोई क्विज आएगा, या पता भी होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ चीजें ऐसी। हाँ, स्टेट एनिमल जो है हमारी स्टेट का क्या है, यस, स्टेट बर्ड, नो, ब्लैक नेकड क्रैन, ब्लैक नेकड क्रैन, ब्लैक नेकड क्रैन। यस, स्टेट ट्री, यस, स्टेट फ्लावर, स्टेट सपोर्ट, पोलो, पोलो आपने देखा है कभी, टीवी में देखा है, पुराने जमाने का खेल था, अभी तो बहुत कम होते हैं, अभी शायद कोई खेलता ही होगा, हाँ बहुत कम खेलते हैं, ये राजा महाराजाओं का खेल था पोलो, तो हमारे स्टेट का स्टेट गेम सपोर्ट जो है वो है पोलो। स्टेट लैंग्वेज, यस, बहुत अच्छा, और ये बातें आप जरूर याद रखिएगा, हाँ नोट करके रखना है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्स, वालर, डाल, आंचार, मानसबाल, पैंगन, शीशनाग, नीलनाग, सोरिनसर, मानसर, गंगबाल एंड विष्णुसर, ये यहाँ पे हमारे यहाँ लेक्स हैं जो बहुत मशहूर है। इंपॉर्टेंट रिवर्स, यस, जहलम, रवि, तवी, चिनाब एंड इंडस। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो हमारे यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला है, हाँ जम्मू और कश्मीर जो है ये चारों तरफ पहाड़ों से गिरा हुआ है ना, वैली इसलिए इसको कहते हैं कश्मीर को, क्योंकि चारों तरफ इसके पहाड़ है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स भी है जो
हाँ ये है कराकरम पीर पंचाल शिवालिक अपरवल एंड नुनकन एंड नुनकन यस यस या ये स्लाइड देखिए आप गौर से देखिए फ्लैग आप जम्मू एंड कश्मीर ये स्टेट फ्लैग है स्टेट फ्लैग जम्मू कश्मीर का यानी रेड कलर पे व्हाइट व्हाइट हल्का निशान और यस तीन सफेद लकीरें ये किसी पार्टी का नहीं है बल्कि किसका है जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर स्टेट का यस अब ये आप देख सकते हो वाइल्ड लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ जम्मू कश्मीर में है ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पेसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेसीज जो है जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ में वो ये हैं कश्मीर कश्मीर की अलग हमने दिखाई क्योंकि जियोग्राफिकल कई चैनल्स अलग अलग है यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी अलग अलग है वेदर कंडीशंस भी अलग अलग है इसलिए तीनों प्रोविंसेस में अलग अलग किस्म के वाइल्ड लाइफ जो है अलग अलग स्पेसीज मौजूद है जम्मू में अलग है लद्दाख में अलग है और हमारे इस कश्मीर में अलग किस्म के जंगली जानवर मौजूद है अब कश्मीर की हम बात करते हैं पहले हांगुल मारखोर इबेक्स सेरो ब्लैक बियर ब्राउन बियर कॉमन लेपर्ड स्नो लेपर्ड यस अब जम्मू की बात कर एक मिनट सॉरी हाँ जम्मू की बात करते हैं मस्क डियर स्पॉटेड डियर बार्किंग डियर मारखोर एबेक्स थार गोरा ब्लैक बियर कॉमन लेपर्ड एंड लद्दाख की ऐसी इबेक्स न्यान शैपू तिब्बतियन एंटेलोप तिब्बतियन गजाले वाइल्ड यॉर्क स्नो लेपर्ड पोलस कैट ब्लैक नेकड क्रेन आप यहाँ देख सकते हो तीनों की अलग अलग है हाँ मुश्किल से कुछ एक दो जो कॉमन है बाकी तो डिफरेंट यहाँ पे स्पेशीज मौजूद पाए जाते हैं हाँ वाइल्ड लाइफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो वाइल्ड लाइफ है हाँ कुछ के यहाँ पे पिक्चर्स है ताकि आपको ज्यादा निशीर रहे ब्लैक नेकड क्रेन देख सकते हो जो हमारे अभी आपने देखा हमारे स्टेट का स्टेट बर्ड है स्टेट बर्ड क्या है ब्लैक नेकड क्रेन यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक नेकड क्रेन है ना यस सर कहाँ है यस ब्लैक नेकड क्रेन और स्नो लेपर्ड हांगुल स्टेट बर्ड जो हमारा है हांगुल यस गोराल मस्क डियर पालस कैट थॉर तिब्बतियन एंटीलोप वाइल्ड यॉर्क वाइल्ड यॉर्क यस स्पेसीज मोस्टली फाउंड इन गाचीगांव नेशनल पार्क हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत सारे वाइल्ड लाइफ की सेंचुरीज है हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी हमारे यहाँ नजदीक जो है गाचीगांव नेशनल पार्क यानी भूमि सतह की पार्क वाइल्ड लाइफ की है यहाँ पे एनिमल्स भी है और बर्ड्स भी कुछ चीज़ अच्छी एनिमल्स का नाम भी यहाँ पे है देख सकते हो मस्क डियर हांगुल कश्मीर स्टेट हिमालयन सीरो बर्ड्स में सिनेमम स्पैरो ब्लैक बुलबुल हिमालयन मोनाल गोल्डन ओरियल ठीक है भाई आगे जाए यस सर नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज मैंने पहले अर्ज किया हमारे कश्मीर में बहुत सारे नेशनल पार्क्स है सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जैसे कि गुलमर्ग बायो सुफिया रिजर्वेयर गाचीगांव नेशनल पार्क एनिमल्स ऑफ नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लिखा है यानी नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है जम्मू में रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी जम्मू में है किश्तवाड़ जम्मू में किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क एंड ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में क्या होता है यानी वाइल्ड एनिमल जो होते हैं जंगली जानवर जो होता है इनका तहफ्फुज़ यहाँ पे होता है इसलिए ये डिपार्टमेंट होता है ताकि जंगली जानवरों का तहफ्फुज़ किया जाए यस अभी तक हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा अब नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी ये हमारे लोगों के जो हमारे जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं इनके मुताबिक हम देखेंगे इनके ट्रेडिशन इनके कल्चर इनका वो हम देख पाएंगे यस पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये देखो आप
People are divided unequally between Jammu, Kashmir and Ladakh. Jammu, Kashmir, Ladakh, three regions hain. Humne pehle padhaya, kitne regions hain? Teen. Aur jo different geographical conditions inki different hain. Hai na? Yes sir. Aur yahan par bhi agar hum division logon ka bolenge to ye bhi yani abadi ka tanasub bhi unequally hai. ये नहीं कि हर एक जगह बराबर बराबर है जम्मू में कश्मीर से कम आबादी है कश्मीर में थोड़ा ज्यादा है जबकि लद्दाख में बहुत कम लैंड के हिसाब से लद्दाख ज्यादा है ना कि अनइक्वली है हाँ द पीपल इन दिस पार्ट्स डोंट ओनली लिव इन बट आल्सो स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज वर्शिप डिफरेंट गॉड्स एंड हैव डिफरेंट एथिकल एंड मॉरल कोड्स मैंने आपको पहले भी बताया कि इन तीनों रीजन्स के जो लोग हैं न सिर्फ उनकी ज़बान न सिर्फ उनकी भाषा न सिर्फ उनका ये अलग अलग है बल्कि उनका रहन सहन भी अलग अलग है उनके ट्रेडिशंस अलग अलग है इतना ही नहीं बल्कि उनका रिलीजन भी अलग अलग है अलग अलग रिलीजन अलग अलग गॉड्स की मानने वाले है जैसे कि आपको पता है हमारे जम्मू के भाई जो है वो ज्यादातर अक्सर जो वहां की है हिंदू मजहब के मानने वाले ज्यादा अक्सरियत और कश्मीर में ज्यादा अक्सरियत मुस्लिम्स की है हम यहाँ पे मुसलमान लोग है और जो लद्दाख की है वो वहां पे अक्सर जो है मेजाती में वो बुद्धिस्ट है यानी बुद्ध मजहब के मानने वाले आया समझ तो मजहब भी अलग अलग है जबकि इससे पहले हमने जब पढ़ा After independence, पढ़ा ना? After independence of India, क्या हुआ था? तो वहाँ पे हमने पहले ये बात देखा, जब independence हुई 1947 में इंडिया को, तो वहाँ पे states फिर अलग-अलग बनानी पड़ी, लेकिन वो states किस बुनियाद पे बनी? Language. Yes. Language background पे. किस इलाके की भाषा कौन सी है तो अलग अलग किया गया लैंग्वेज के बेस पे लैंग्वेज की बुनियाद पे अलग अलग स्टेट बनी लेकिन हम यहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर में अलग अलग भाषा है अलग अलग मजहब है एक स्टेट में ठीक है हाँ आगे देखिए ये यहाँ देखो आप अच्छी एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ कश्मीर ट्रेडिशनल ड्रेस है कश्मीर प्रोविंस का अलग अलग यहाँ अगर आप देखोगे अलग अलग कलर्स का मैप है गिलगित बाल्टिस्तान पर्पल कलर में है अक्साई चिन लद्दाख यहाँ कश्मीर वैली जम्मू और आजाद कश्मीर ब्लू में गिलगित बाल्टिस्तान बहुत बड़ा एरिया है ना ये भी पाकिस्तान के साथ है आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है कश्मीर ग्रीन वाला येलो वाला हाँ जम्मू और लद्दाख जो है थोड़ा सिकिन कलर है ना सिकिन कलर में दिखाया लेकिन यहाँ पर आप देखो ट्रेडिशनल ड्रेस एक तो होता है हम आज अगर हम देखते हैं किसी भी जगह कोई ट्रेडिशनल ड्रेस हमें मिलता नहीं क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो यूरोप में कोई अंग्रेज पहनता है हम भी वही पहनते हैं और उसी वक्त हम टीवी पे देखते हैं यहाँ दिल्ली में जो पहनने वाले लोग हैं हम भी पहनते हैं हाँ लेकिन उसके बावजूद हमारी ट्रेडिशंस होती है हमारे कल्चर में जो चीजें होती है वो हमसे जुड़ी रहती हमारा ट्रेडिशन हमसे जुड़ा रहता और वो रहना भी चाहिए क्योंकि अपनी पहचान हमारी इस ट्रेडिशन से ही होती है अगर हम इस ट्रेडिशन को अपनी कल्चर को भूल जाएंगे हाँ तो ये ट्रेडिशन भी हमें भूल जाएगी यानी हम हमें अपनी चीजें अपने पर्खों की चीजें जरूर याद रखनी होती है हाँ ये जो देखो गिलगिती वुमेन जो होती है इसका ड्रेस ट्रेडिशन वेयर जो उनका होता है वो ऐसा होता है हाँ ये देखो हुंजा हुंजा भी गिलगित बल्तिस्तान का एक एरिया है वहां का ट्रेडिशनल यहाँ मान लीजिए एक कम्युनिटी है उनका ट्रेडिशनल ड्रेस ऐसा होता है बिल्कुल आप लोग उनकी तरह जो यहाँ पे गोजरी ड्रेस होता है मुझे लगता है टोपी ऐसी होती है लेकिन उसके बाद आपका वो दूसरे टाइप का वो होता है ऊपर गोजरी का अलग होता है ना इनका ऊपर साड़ी होती है हा? और नीचे डिफरेंट तरीके का ये होता है बाल्टी ये आप ड्रेस देख सकते हो पहाड़ी
कोशिश या आप देख सकते हो कश्मीरी ड्रेस है ना जो आपने मुशायदा खुद किया है ये जो ऊपर फेरन होगा या फिरार जो इसका होता है इस पर पूरा काम यहाँ पे होता है यहाँ पे काम है और ऑर्नामेंट्स तो होते हैं सर पे ये ट्रेडिशनल भी है ट्रेडिशनल ड्रेस का मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ हाँ गुजरी ऐसा होता है ना आपको अपनी कम्युनिटी है ना पता है ना ऐसा था ना आपका अभी तो नहीं है ना आप आपकी जो एज की उनको नहीं होता है लेकिन जो पुरानी थी उनको ऐसा है दादी अगर घर में होगी तो ऐसा आप जरूर देखोगे घर में होगा ये है किस किसके घर में है किसी के घर में नहीं अभी चलो ठीक है डोगरा यस डोगरा ड्रेस लद्दाखी ड्रेस लद्दाखी ड्रेस की एक बात होती है यहाँ पे पेटी पे बेल्ट और सर पे हैट नुमा जो टोपी होती है लेकिन थोड़ा कर वापस मुड़ा होगा और करगिली ड्रेस करगिली भी ऐसा होता है थोड़ा डिफरेंट होता इसकी हैट अलग तरीके की होती है होते है ना हाँ ये ध्यान में रखने वाली बात ट्रेडिशनल आपको पता चलेगी हमारी जो अलग अलग है हाँ अब कल्चर कल्चर के बारे में लद्दाख इज फेमस फॉर इट्स यूनिक इंडो तिब्बतियन कल्चर लद्दाख मशहूर है इंडो तिब्बतियन कल्चर यानी इसका मिला जुला असर पड़ा है मिला जुला असर पड़ा इंडिया के कल्चर का भी और तिब्बतियन कल्चर का भी ठीक है yes, क्योंकि तिब्बत के साथ भी मिला जुला है मजहब भी लिंक भी है इनको वहां बौद्ध मजहब के माने और यहाँ भी थोड़ा उसका असर पड़ता है कश्मीर में क्या होता है कश्मीर का कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट है ना yes. यहाँ अलग यहाँ पे इस्लामिक कल्चर ज्यादा है उसका उसकी इन्फ्लुएंस यहाँ हमारे कल्चर पर है हमारे शादी हमारे त्योहार और उस पर इस्लामी कल्चर का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है शिकाराज आर ए कॉमन फीचर इन लेक्स एंड रिवर्स अक्रॉस द कश्मीर वैली यहाँ पे हम जब भी लेक्स और बाकी चीजों का शेयर करेंगे तो शिकारा जरूर देखेंगे हाँ वहाँ शिकारा चलाना आप किसी टीवी पर फोटो देखोगे कश्मीर के बारे में कुछ खबरों में तो वहां पे आप जरूर देखते हो शिकारा में वो आदमी है यानी ये पहचान हमारी बन गई ठीक है yes, ट्रेडमार्क कश्मीर का कि यहाँ शिकारे में होते हैं लोग है ना शिकारा हमारा ट्रेडमार्क है हाँ जम्मू का क्या होता है जम्मूज डोगरा कल्चर एंड ट्रेडिशन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ नेबरिंग पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश जम्मू का कल्चर डिफरेंट है हमने पहले अर्ज किया यहाँ पर तीन रीजन का हर एक चीज अलग अलग होता है जम्मू में डोगरा यानी हिंदू कल्चर डोगरा एक कम्युनिटी है हिंदू में वहां पे तो क्यों वहां पे ज्यादा हिंदू है और वहां पे जो नेबरिंग स्टेट्स है पंजाब और हरियाणा उसी का असर जम्मू वालों पर पड़ा उनका रहन सहन उसी हिसाब से उनके शादियां तकरीबन उन्हीं के हिसाब से होते हैं उनके मेले और उनके त्योहार उन्हीं के हिसाब से मनाए जाते असर इन्फ्लुएंस हुआ है इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जम्मू कश्मीर की इकॉनमी यहाँ पर हम किस तरह हमारी इकॉनमी बढ़ाते हैं जरिया क्या है वो हम आज पढ़ेंगे ओनली 20% ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कल्टिवेटेड विद इंटेंसिव फार्मिंग खाली 20% हिस्सा जो है हमारे जम्मू कश्मीर का 20% जो है वो है हमारी जमीन का विकास जो इसकी पूरा पूरा रकबा है ना हमारे जम्मू कश्मीर का 20% पर काश्त होता है यानी फसल उगता और अबाउट 80% ऑफ पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर 20% जमीन पर कितने लोगों का कितने लोग मुनसिर रहते हैं डिपेंड रहते हैं 80% लोग 80% लोगों का वास्ता बिल वास्ता या बिला वास्ता डिपेंड किस पर है इसी जमींदारी पर अपना रोजगार हासिल करते ठीक है कुछ चीजें हैं जो यहाँ हमारी अलग अलग निकलती है सैफ्रन द मोस्ट फेमस स्पाइस इज ओनली प्रोड्यूस्ड इन द वैली ऑफ कश्मीर सैफ्रन पापोर में पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे हमारे कश्मीर का ये सैफ्रन जो जाफरान जिसको आप बोलते हैं ये बड़ा मशहूर है ये कश्मीर में
उगता है और इसका बहुत मार्केटिंग भी होती है, इसकी बहुत रेट भी उनको मिलता है, बहुत मुनाफा, लेकिन मेहनत भी पड़ती है. हाँ, द कश्मीरी वूल, द कश्मीरी वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप, गोट्स एंड यॉक्स. लद्दाख, ज्यादातर लद्दाख की जो होते हैं वहां पे पश्मीना शॉल निकलते हैं, पश्मीना वो ऊन निकलता है, और इसके साथ पश्मीना इंडस्ट्री भी है, वाबस्ता है, उसके साथ बहुत सारे लोग वाबस्ता है. हमारी माए बहने जो घर में होती है वो देखो उनको काम होता है, सिटीज में या गाँव में, हा? सुबह शाम फालतू वक्त में वो नहीं बैठती है, बल्कि वो खाती रहती है वो पश्मीना वूल, वो अपना रोजगार वहां से हासिल कर सकती है. कुछ लोग तो वो रेयर करते हैं, कुछ लोग तो पालते हैं पश्मीना गुड्स, मगर कुछ लोग वो उसे हासिल करते हैं अपनी अपना रोजगार, अपनी आमदनी, लेकिन कुछ लोग इस ऊन के साथ वाबस्ता है. तो ये भी हमारी इकॉनमी बढ़ाता है हमारे जम्मू कश्मीर में. हाँ, मेजर इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कुछ प्रोडक्ट्स है जो ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, यहाँ उगाते हैं अपनी जमीन में. शाबाश, राइस क्रॉप, राइस क्रॉप, वीट क्रॉप, ये हमारी कश्मीर में तीनों है, है ना? आपका पूरा, आपको पूरी एक्सपीरियंस है इसकी, मेज, मक्की, राइस क्रॉप और वीट, है ना? शाबाश. इसके बाद बाजरा हमारे यहाँ नहीं होता लेकिन जम्मू में होता है, बार्ली क्रॉप और सैफरान, पल्सेस और वेजिटेबल्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स तो हमारे यहाँ बहुत होती है. यही चीजें हैं जो तकरीबन तकरीबन हम सब इस कश्मीर में या पूरे जम्मू कश्मीर में, मैं कहूंगा इन्हीं चीजों पे डिपेंडेंट है हमारी जमीन से, यही चीजें उगती है. हाँ, क्यूजिन्स, वो अब मजेदार बात आ गई. क्यूजिन्स की जब बात आती है तो हमारा जो होता है मूड, देखो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई. क्यूजिन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारे खान पान, थोड़ा आपके चेहरे खिल गई, उसका मतलब है यह देखकर आपके मुंह में पानी आ गया जब वाजवान हम देखते हैं, है ना? वाजवान जो है मशहूर है पूरे वर्ल्ड में, कश्मीरी वाजवान मशहूर है. द क्यूजिन ऑफ कश्मीर इज वेरी रिच, वन ऑफ द फेमस मील ऑफ कश्मीर इज द वाजवान, बहुत फेमस जो है हमारे मशहूर यहाँ पे हमारे क्यूजिन में वाजवान है, तरह तरह के पकवान. ठीक है, अगर किसी की जो आमदनी थोड़ा भी कलीर भी होती है, लेकिन जब वाजवान की बारी आती है, जब उसके बेटे की या बेटी की शादी होती है, तो वो इसराफ करता है और वाजवान में कोई कमी रखना नहीं चाहता. यानी हमारे अभी मुझे, मैं काउंट ही नहीं कर सकूंगा कितने अभी सालन बनाए जाते, कितने वेराइटीज है गोश्त के लिए, 10-20 उसे भी ज्यादा होंगे, अलग अलग देखते हैं, हर कोई करना चाहता. हालांकि इंसाफ ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, अपनी हैसियत के मुताबिक हमें हमेशा खर्च करना चाहिए, लेकिन जब वाजवान की बारी आती है तो हम ये सब चीजें भूल जाते हैं, और कहने वाले हम है, लेकिन जब हम खाने वाले होते हैं तब हम कहते हैं कि और भी कुछ होना, मगर ये तो हमारे चालों में हमारी रिवायत ऐसी है. और इतना ही नहीं, देखो क्यूजिन में खाली वाजवान नहीं, अगर क्यूजिन में बहुत सारे खान पान की जितनी चीजें हम ज्यादा खाते हैं वो आएगा. और मैं एक बात यहाँ ऐड करूंगा, हर रीजन की, हर स्टेट की, हर इलाके की, हर कंट्री की क्यूजिन अलग अलग होते हैं, वो तो उनके हिसाब से, उनके मौसम के हिसाब से, उनकी आदत जो होते हैं उसके हिसाब से होता है. कुछ किसी जगह ज्यादा पर ज्यादा चावल खाते हैं, और किसी इलाके के लोग, किसी स्टेट के लोग ज्यादा सब्जियां और रोटियां खाते हैं, ये उन पे मुनसिर करता है. हमारे आपको पता है वाजवान इज फॉर्मल मील टू मार्क ए स्पेशल ओकेजन, स्पेशल कभी दावत होती है तब ही पकाया जाता है ना, वरना तो हम आम गोश्त पकाते हैं वाजवान कभी 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 कभार. हाँ, द डेजर्ट इज यूजुअली फिरनी एंड कहवा, और हमारा जो डेजर्ट होता है खाने के ऊपर खाया जाता है वो होते हैं फिरनी, फिरनी खाते हो ना, कहवा. और कहवा जो है वो भी हमारा बड़ा मशहूर है, जब हम उसमें कहवे में सैफरान या जाफरान डालते और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है, वो भी अलग ही चीज होती है हमारी. ठीक है, तो अब वाटर बॉडीज की बात आई, वाटर बॉडीज की, हमारे यहाँ पे कौन कौन सी वाटर बॉडीज है,
What about if Kashmir ka husn jo hai, Kashmir ko kehte hai paradise on earth. Kashmir dharti ka jannat hai. Yani agar is zameen pe kisi jagah jannat hai, to wo is Kashmir ko kaha gaya. Kehte hai na agar firdaus par ro ye zameen ast. Hum hi astu, hum hi astu, hum hi astu. Agar is dharti pe kisi jagah jannat hai, to wo yahi hai, yahi hai. Yani kis wajah se? Yahan ki khoobsurti ki wajah se. यहाँ के इन आबशारों की वजह से, यहाँ के इन बर्फीले चट्टानों की वजह से और यहाँ की इन इन्हीं वाटर बॉडीज की वजह से यहाँ बहुत साफ शफा पानी हाँ ये दिलकश मनाजर है हमके. मगर वाटर बॉडीज की जब जब भी मैं वाटर बॉडीज की तरफ देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ वाटर बॉडीज वो साफ शफा उस तरह की नहीं रही जिस तरह हमने पढ़ा है, जिस तरह हमने सुना है. हा? और अगर शायद आज वो जहांगीर होते, शायद वो आज इस डायरी में नहीं होती, उस वक्त क्या हुआ होगा हमारा डल है. लेकिन आज की हालत बुरी है. हमें और आपको एज ए स्टूडेंट आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि डल है को बचाया जाए. बोले वो वर्ल्ड फेमस है डल है, दुनिया से देखने के लिए आते हैं डल है को. लेकिन डल लेक में गंदगी डाली हुई है, हमें परहेज करना चाहिए कि आलूदा न सिर्फ डल लेक बाकी जितने भी हैं वलर लेक मानस बाजा आपके वाटर बॉडीज इलाके में जो है आपके यहाँ छोटे छोटे दरिया है यहाँ पे गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. हमें परहेज करना चाहिए, अपने आप को भी इसे रोकना है और जो अपनी हमारी कम्युनिटी है यहाँ भी जागरूकता इनको एजुकेट करना है कि हमारी वाटर बॉडीज को आलूदा मत करो. ठीक है, इसी से हमारी पहचान है. शाबाश. ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो हमारे पूरा इसी के बारे में पढ़ा. और आखिर पे ये आखिरी स्लाइड तकरीबन होगी इसकी. अगर हमारी स्लाइड किसी ने देखी तो हम लास्ट पे कहेंगे अगर कश्मीर कोई बाहर से आया तो क्या यहाँ से लेगा. यहाँ तो लेके जाना है ना, जिसको हम कहते हैं यहाँ की डाली. किसी भी हमारा कोई रिश्तेदार किसी स्टेट में जाता है, किसी फॉरेन कंट्री में जाता है तो वहाँ वो देखता है वहाँ का मशहूर चीज क्या है, वो मेला हो. तो हमारे कश्मीर में भी जो मशहूर चीज है जो बाकी यहाँ से ले सकते वो क्या है, जो हमारा अपना ब्रांड है वो क्या है, कश्मीरी शाल. हाँ, कश्मीरी शाल वर्ल्ड फेमस है, हर एक स्टेट में आपको मिलेगा, वहां पे भी शाल मिलते हैं. मगर कश्मीरी शाल की पहचान अलग है और इसका रुतबा भी अलग है. पेपर माशी ऑब्जेक्ट्स, पेपर माशी ऑब्जेक्ट्स ये जो यहाँ मिलेंगे आपको बाहर नहीं मिलेंगे ऐसे. और कार्पे है, कश्मीरी कारीगर अपने हाथ से बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत लगन से बनाते हैं और बहुत सुंदर और खूबसूरत होते हैं. हैंडीक्राफ्ट जो दस्तकारी जिसको हम बोलते हैं, ये भी कश्मीर की एक रिवायत है, पुराने जमाने से करते आए है. और अभी भी इसमें अपना लोहा मनाया है. ये था हमारा आज का, इतना ही था अबाउट जम्मू एंड कश्मीर जो हमने सुना पढ़ा देखा वो क्या था, वो ये था. पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन दी जम्मू कश्मीर के मुताबिक, वाइल्ड लाइफ क्या है जम्मू कश्मीर में, यानी कौन कौन से जंगली जानवर है, लोगों के बारे में हमने यहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ा, ट्रेडिशंस के बारे में, इकोनॉमी क्विज़िन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वाटर बॉडीज और शॉपिंग के बारे में हमने पढ़ा. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. उम्मीद है आप याद रखोगे और शुक्रिया.